हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले आज मार्केट क्या रहा देखते हैं। आज 284 पॉइंट माइनस था निफ्टी, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस था, एंड स्मॉल कैप 0.75% डाउन था, राइट? सो आई थिंक सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड था आज, अक्रॉस द मार्केट आज सेलिंग देखने को मिला। सो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो मंथली में अगर निफ्टी देखेंगे तो पुल बैक है अप ट्रेंड में, वीकली में देखेंगे तो पुल बैक है। पुल बैक बहुत डीप आया हुआ है जहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है और ट्रेंड ब्रेकडाउन हो सकता है, वो लेवल पे आके खड़ा हुआ है। देन डेली में देखेंगे तो ट्रेंड वीकनेस है, राइट? यहाँ पे जैसे ही फॉल ऑफ सेलिंग हुआ दूसरी बार तो ट्रेंड वीकनेस है, और माइनर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड वीकनेस है, राइट? सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे मंथली अप ट्रेंड है, वीकली अंडर प्रेशर है, डेली डाउन है, माइनर डाउन है। सो एज ऑफ नाउ वी आर 50-50, राइट? अब यू कैन से 60-40, 50-50। सो वी आर समवेयर मिडल। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट आर द सिनेरियोस। सो कल अगर देखेंगे, कल एक रैली आया, यहाँ पे ऊपर में गया, फिर उसके बाद एक तुरंत सेलिंग आ गया, राइट? आज सुबह में। सो जो भी बायर्स थे जिन्होंने भी खरीदा उन सबको आज लॉस में लाके खड़ा कर दिया। या सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सो नाउ जो कल हमने आई थिंक लेवल मार्कडाउन किया था, बट कहीं पे भी मार्केट रुका नहीं जहां से बाइंग करे, राइट? तो आज मैंने लेवल चेंज किए। सो समवेयर यहाँ पे था बट उसके नीचे गया, फिर ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ पे था वो भी ब्रेकडाउन आ गया, तो कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी बना नहीं, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट ये जो एरिया जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है, जो कल हमने ये मार्किंग करके रखा था, 24,160 से 180 का जो जोन है, ये एक फाइनल बायर्स का जोन है। अगर यहाँ से नीचे जाके सस्टेन हो गया तो फिर लुक फॉर शॉर्ट, बट यहाँ पे अगर सस्टेन हो गया फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो पहला रेजिस है 24,252, देन 305। सो लॉन्ग करना है तो इसके ऊपर जाके जब खड़ा रहे 305-310, या तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार लो काटे और फिर ऊपर अगेन आ जाए और फिर यहाँ पे सस्टेन और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो एक माइनर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग देख सकते हैं जो 24,250-305, जैसे इसको क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो फिर नीचे ऊपर में 460 से 504 के जोन में जा सकता है। पर जैसे इसके नीचे जाके 150 के आसपास सस्टेन करता है और फिर ब्रेक डाउन आता है तो लुक फॉर शॉर्ट। फिर आप रिसेंट ये जो लो था 23,800 से 900 के जोन को आप टारगेट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनारियो। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने आपको बताया था, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,700 24,700 24,680, देन 518 से 460, एंड उसके बाद 800 से 840 और 850 का जोन है ये। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। देन इफ यू लुक एट द वीकली, वीकली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है। डेली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ से सेलिंग आया, फिर कहीं ना कहीं वही जोन में, जैसे ये जोन में आता है तो सेलिंग आता है, नीचे में जोन में बाइंग आ जाता है। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस है, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, मंथली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 75-25 है। सो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, या सो लेट्स ट्राई टू लुक एट एग्जैक्टली। अब देखो बार बार हमने जो एक जोन मार्किंग करके रखा है, यहाँ पे आता है सेलिंग आ जाता है। सो वी नीड अ डिसिसिव क्लोजिंग अबाउट 52,600 से 650 और 700 का जोन है उसके ऊपर, या सो नीचे में 51 था तो जो यहाँ पे एक बाइंग का लेवल था, बट वहां पे टिका ही नहीं, सीधा नीचे चला गया। 51,790 to 700 का ये एक जोन है जहां पे बायर्स दिख सकते हैं। इसके नीचे जाके जैसे ही सस्टेन करा तो नीचे में एक शॉर्ट देख सकते हो 51,400, फिर 51,000 नीचे में। लॉन्ग मेरे अकॉर्डिंगली अभी मिडल ऑफ द जोन है, तो लॉन्ग जब तक ये
ऊपर में जाके सस्टेन नहीं हो जाता है 51,600-51,700 के ऊपर, 52,600-52,700, तब तक आई थिंक लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो समवेयर वी आर इनटू मिडल, राइट? ये जोन में आए तो आपको एक लो रिस्क लॉन्ग देखना चाहिए, ये जोन में आए तो आपको एक लो रिस्क शॉर्ट देखना चाहिए। और जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा बजाय और फिर ब्रेकआउट आएगा तो दैट विल लीड टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप में देखेंगे मंथली अप ट्रेंड इंटैक्ट है, राइट? वीकली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है। माइनर टाइम फ्रेम में थोड़ा वीकनेस है, राइट? बट 75-25 है। सो नाउ आई एम वेटिंग टू सी दैट ये जो प्रीवियस काफी बार सपोर्ट था वहां पे आया है, सेलिंग देखने को मिला। जैसे ही इसके ऊपर जाके क्रॉस करेगा, ये रिसेंट हाई है जो 19,300 से 19,400 का जोन है, उसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो तेजी का एक ट्रेंड बनेगा। एंड फिर सीधा जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट विल रैली। एंड नीचे में ये जो आपको बताया था रिसेंट लो, उसके नीचे जाके जब सेलिंग आके सस्टेन करेगा तब जाके स्मॉल कैप में ट्रेंड चेंज होगा, राइट? सो दैट्स फॉर द मार्केट राइट नाउ। एंड ओवरऑल ब्रॉड सिनेरियो पता चल गया, निफ्टी इज वीक मोर, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग है, स्मॉल कैप भी स्ट्रांग है, राइट? सो द ब्रॉड ट्रेंड इज ओवरऑल स्मॉल कैप में अप है, बैंक निफ्टी में अप है, निफ्टी में थोड़ा प्रेशर में है। सो लेट्स ट्राई टू सी निफ्टी कब तक अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करती है या फर्दर वीकनेस आता है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।